अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सेंसेशन एंड परसेप्शन सीरीज का इफ्तिताह कर रहे हैं। द सीरीज विल बी कंप्राइजेज ऑफ सम डिस्कशंस, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ वी सेंस थिंग और उस सेंस की हुई चीज़ों को हम कैसे परसेप्चुअल सेट्स का यूज़ करते हुए उसके मुतालिक परसेप्शन अडॉप्ट करते हैं। So, in these discussions, we will be covering the basic concepts of sensation in perception. और उसके बाद हम इन्हीं discussions में आगे जाएंगे, vision को बहुत detail में हम पढ़ेंगे, how we make a sense of vision, how this perceptual process of vision is happening. और इसके बाद जो rest of the senses हैं, four senses जिन्हें हम non-visual senses भी कहते हैं, touch, smell, taste वगैरह, उनके भी हम सेंसरी और परसेप्चुअल प्रोसेस को देखेंगे। इन टुडेज डिस्कशन स्पेसिफिकली वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज मेंट बाय सेंसेशन एंड परसेप्शन और हम हाउ वी मेक द सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। उसके बाद हम सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में देखेंगे और फिर बात करेंगे कि कब ये इंफॉर्मेशन उस पोजीशन पे पहुंचती है जहां पे हम इसको नोटिस लेना शुरू कर देते हैं। वी कॉल दैट अ थ्रेशहोल्ड एंड अकॉर्डिंग टू सिंगल डिटेक्शन थ्योरी हम उसको डिस्कस करेंगे। वर्बर्स लॉ की भी बात होगी, फिर जिन चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते कॉन्शियसली लेकिन फिर भी वो हमारे अनकॉन्शियस में रह जाती है, हम उसे सबलिमिनल परसेप्शन कहते हैं, उसके बारे में बात होगी हमारी। और सेंसरी अडॉप्टेशन और इमोशनल अडॉप्टेशन, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंसेशन इन परसेप्शन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेंसेशन इन परसेप्शन आर पार्ट्स ऑफ वन ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो Let's read it again, that under normal circumstances, sensation and perception are parts of one continuous process. कैसे continuous process है? Sensation तो हम through sensory organs करते हैं जिसके जरिए हमें raw data मिलता है, लेकिन उस raw data को process करके information उसको उसका sense बनाना जो है, उसको समझना जो है, that is perception. So how things happen? इंफॉर्मेशन आती है जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस एनवायरनमेंट से, इन टर्म्स ऑफ लाइट, साउंड एटसेट्रा। सेंसेशन इज फीलिंग दोज इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, जो फाइव सेंसेस की यूजुअली हम बात करते हैं। सो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, दे टेक इट फ्रॉम the world around us as a stimulus. वो stimulus जो है वो sensory organs के जरिए आते हैं और वो sensory organs से जो है फिर वो brain की तरफ जाते हैं, and those sensation and then process in the brain and we can make sense of what we are seeing, we are listening to, we are touching, or we are smelling, or we are tasting. For example, one of the very brief example is given that when we see some tree and some other things, सो लाइट वेव्स जो है वो हमारा रेटिना पे आते हैं, आई है, जो आई हमारा सेंसरी ऑर्गन है विजुअल, उसके लिए उस रेटिना के जरिए उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग चली जाती है जी फिर हमारे परसेप्शन पे। सो ऑप्टिकल लोब्स ऑफ द ब्रेन रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई एंड प्रोसेस इट एज अ ट्री। सो वहां से ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ट्री के से रिलेटेड परसेप्शन एंड देन इज अ वेरी मिस्टीरियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टेक पार्ट इन बिल्डिंग दिस परसेप्शन कि वाई दिस इज ट्री, बिकॉज वेन प्रीवियस मेमोरी है और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो वी आर मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड, सो हाउ इट इज, सो देयर आर टू प्रोसेस, वन इज बॉटम अप एंड द सेकेंड वन इज डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप में क्या होता है कि जो सेंसरी डेटा है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन को पहले आता है और फिर ये जो है वो जाता है टू द ब्रेन,
दैट इज व्हाट वी कॉल के जी सेंस ड्रिवन होता है, रिलाय इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस, लोअर लेवल रिकॉग्निशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें वी कैन से कि हम जो है जो जो आउटसाइड डेटा है, रियल टाइम डेटा ड्रिवन सेंसरी एनालिसिस जिसे बॉटम अप प्रोसेसिंग को कहते हैं, कि जो स्टिमुलस है इन द आउटसाइड वर्ल्ड वी सेंस दैट एंड इट इज ट्रांसफॉर्म टू आवर ब्रेन एंड देन द परसेप्चुअल प्रोसेस इज स्टार्टिंग द प्रोसेसिंग स्टार्टेड दैट इज टेकिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड देन असेंबलिंग इट एंड इंटीग्रेटिंग इट. How this integration is happening, because in our brain there are so many things, memory we have, previous experiences we have. So making sense of the world is not only getting that sensory data and bringing it to the brain. Now the brain, it processed in the brain. Brain mein processing jo hai, wo badi detail mein hoti hai. When we will be discussing the perceptual process, we'll be discussing that as well, and the visual सेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी डिटेल में हमारी डिस्कशन होगी. सो कटिंग इन शॉर्ट के बॉटम अप प्रोसेसिंग में ये है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो स्टिमुलस हमें मिलता है, वो स्टिमुलस थ्रू सेंसरी ऑर्गन जो है ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करके उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की सूरत में हमारे सामने लाता है थ्रू प्रोसेसिंग. टॉप डाउन अप्रोच जो है इसमें स्कीमा ड्रिवन है, rely on knowledge and experiences, high level cognition and interpretation of information. Bottom up approach mein to ye tha ki jo hum sensation karte hain outer world ki, wo outer world jo hai wo uski sensation hum through sensory organ karte hain, wo senses jo inputs hain wo sensory organ ke zariye ab pahunchta hai ji brain tak, aur brain mein processing shuru ho jati hai. अब ब्रेन जो प्रोसेसिंग है, फॉर एग्जांपल वी वर लुकिंग एट सम एक्सटर्नल थिंग, विजुअलाइजिंग थिंग, जो फॉर एग्जांपल दिस बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई है या कोई और इस तरह की कहानी थी, वी एज आई एम लुकिंग टू द लैपटॉप. सो पहले मैंने इस लैपटॉप को देखा, क्योंकि लैपटॉप पे दी वॉज रिटन समथिंग, क्योंकि मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ लिखा हुआ है टॉप डाउन एक साइड पे है, दूसरी तरफ भी टॉप डाउन प्रोसेसिंग लिखा हुआ. व्हेन आई एम रीडिंग इट, सो आई एम यूजिंग माय विजुअल सेंस, जिसमें से मैं देख रहा हूँ कि व्हाट इज रिटन देयर. वो सेंस होता है थ्रू लाइट वेव्स, और वो मेरे जो आई है वो वहाँ से रेटिना है, रेटिना में इमेज बनता है, इमेज जो है वो प्रोसेस होता है और ब्रेन तक पहुँचता है. ओके, दैट्स वन साइड ऑफ द थिंग, बट इट्स नॉट द होल स्टोरी, क्योंकि अब वहाँ से जो है वहां पे इट विल बी बाउंस बैक, दैट इज की टू मेक इट से मेक अ सेंस ऑफ इट. क्योंकि अगर मैंने इफ आई डोंट नो व्हाट दिस इंग्लिश इज, फॉर एग्जांपल मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड, दीज आर मेड ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट ने वर्ड्स बनाए हैं और उसके फ्रेजेस बने हुए हैं. सो वो अब वहां से जाके व्हेन इट जिसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन तो चली गई, लेकिन वहां से फिर बताया जाता है कि दिस इज अ लैपटॉप, लैपटॉप में जी एक स्लाइड चल रही है, स्लाइड पे ये चीजें लिखी हुई है, और ये प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम कहते हैं यूजिंग मॉडल आइडियाज एंड एक्सपेक्टेशन टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये जो चीजें हमारे जहन में पहले से मौजूद है, स्केमास मौजूद है, मॉडल्स मौजूद है, आइडियाज मौजूद है, एज आई एम डिस्कसिंग टू यू. सो यहाँ पे I'm discussing to you कि यहाँ पे तो अंग्रेजी लिखी हुई है, मैंने सेंस कर ली, ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन इज मेकिंग सेंस ऑफ इट, कि जी ये अंग्रेजी लिखी हुई है, देयर आर फ्रेजेस एंड इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट एंड एलैबोरेटेड एलिसिएटेड टू द ऑडियंस. सो दिस इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच, पहले बॉटम अप अप्रोच होता है कि पहले जो सेंसेशन है वो हो जाती है, ब्रेन तक बात पहुंचती है, ब्रेन जो है इट्स टेकिंग दैट स्टिमुलस, और फिर ब्रेन जो है आगे उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, हाई लेवल कॉग्निशन की बात कर इसको आइडियाज कॉन्सेप्ट मॉडल स्कीमास के साथ कंपेयर कंट्रास्ट करता है और ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. तो फिर हमें पता चलता है कि विजुअल्स के जरिए हुआ क्या, पहले इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, ब्रेन तक आई, ब्रेन ने इसको
कंपेयर कंट्रास्ट किया, और ये बाद में जब विजुअल्स के जरिए ही जा रही तो हमें वहां से समझ लगी कि ये हो क्या रहा है। सो दिस इज हाउ वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, इनिशियली बाय बॉटम अप। बॉटम अप से हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, और टॉप डाउन से हम उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस बनाते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ में मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी अ प्रिंटिंग ऑन आर अ 3D बॉटल? व्हाट इज ऑन द बॉटल? किड्स सी 8 to 10 डॉल्फिन्स व्हाइल हियर इज other issues as what do you think kids see something different than adults and what we are seeing about we may be seeing that there is a couple which is hugging one another or things like that, while kids when they see it, so they usually see that there are dolphins and there are some 8 dolphins. Why they are thinking so and why the adult didn't think so in that way? The reason is that kids have never been to the other experiences, rather उन्होंने डॉल्फिन की पिक्चर्स देखी है और डॉल्फिन के जरिए ही जब वो विजुअलाइज करते हैं, so they try to make sense of it in terms of dolphin things. But when adults are looking at these things, so they have their own experiences, they have their own orientation toward the factual rules and to the intimacy and to the relationship thing as well. So the adults are making sense other than the kids. So how things happen from sensory organ to the brain? So the very first thing, yahan pe reception hoti hai. Reception kya hai? The stimulation of the sensory receptor cells by energy, sound, light, heat, etc. Jo bhi sensation hum karte hain, it's done by sensory receptors. वो sensory receptor हमारे eye में हो सकते हैं, ear में हो सकते हैं, जी skin में हो सकते हैं, taste buds में हो सकते हैं वो, and so on. फिर transduction होती है. What is transduction? It's transforming this cell stimulation into neural impulses. अगर इसको हम मज़ीद उसमें करें कि conversion of one form of energy into another form of energy. Because जो सेंस हुआ है वहां पे वो न्यूरल न्यूरॉन्स में गए हैं, न्यूरल इम्पल्स जनरेट हो रही है, तो न्यूरल इम्पल्स जनरेशन में जो एनर्जीज हैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन सेंसेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस एनर्जीज सच एज साइट, साउंड एंड स्मेल्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस द ब्रेन कैन इंटरप्रेट. अब ये न्यूरल इम्पल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होती है. And this is a very huge discipline inside the psychology as well as the physics, a combination of both. We call it psychophysics. Psychophysics deals with such details ke how information in terms of stimulus energy is converted to other form of energy, our brain waves jo hain unme kaise wo hoti hai, ya jise hum impulses kehte hain, neural impulses usme kaise hoti hai. And then comes the transmission, delivering this neural information to the brain to be processed. So, दो तीन processes होते हैं. Reception हो जाती है, external stimulus हम sense करते हैं, वो external stimulus जो है वो neural impulse में convert होती है through transduction. Transduction is conversion of one form energy to the another. जो form of energy भी है वो neural impulse के सूरत में जाती है. Neural impulse and mostly electromagnetic waves जो है, या even chemical waves भी हो सकती है. उसके जरिए फिर जो third process होता है वो transmission का है, delivering this neural information to the brains to be processed. So transmission उसके बाद होती है. So these three processes happening, reception होती है sensory organ में, सेंसरी ऑर्गन में मौजूद न्यूरॉन्स के न्यूरल इम्पल्स जनरेट होते हैं और वहां से ये ब्रेन को जाती है थ्रू ट्रांसमिशन. एंड दिस ट्रांजैक्शन इज स्टडीड इन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, वी कॉल इट साइकोफिजिक्स. लेकिन हमें ये है कि ठीक है जी, हमें सेंसेशन होती है, हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है, स्टिमुलस महसूस होती है, और उसके बाद हम जो है वो चल पड़ते हैं उस चीज को प्रोसेस करने में. द क्वेश्चन अराइजेस के जी कैसे, किस कितनी सेंसेशन जरूरी है
और ताकि जिसको हम नोटिस कर सकें, और कितने से कम पे होगा तो वो शायद काम ना चले। सो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी विच इज प्राइमरीली इट्स अबाउट द फिजिक्स थिंग्स, जहाँ पे वेव्स की बात होती है, बट एज वी हैव डिस्कस कि हमारे जो सेंसेशन है इट ऑलवेज आल्सो इन्वॉल्व द वेव्स थिंग्स। सो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टिमुलस को डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड। वो थ्रेश होल्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट है जहाँ पे पहुँच के जो है हम हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी कहती क्या है, इट प्रिडिक्ट्स दैट हाउ एंड व्हेन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फेंट स्टिमुलस सिग्नल एंड बैकग्राउंड स्टिमुलेशन। नाइस। अज्यूम दैट देयर इज नो सिग्नल एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड द डिटेक्शन डिपेंड्स पार्टली ऑन द पर्सन एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन एंड अलर्टनेस। सो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हमें बताती है कि देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ सिग्नल्स एंड बैकग्राउंड स्टिमुलेशन जो कि हमें एक थ्रेश होल्ड पे लेके जाती है कि जहाँ पे हम सेंसेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड नहीं है फॉर एवरीवन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वन पर्सन एक्सपीरियंस के पहले उसके एक्सपीरियंस कितने रहा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द सेंसरी एडॉप्टेशन इन द बिहेवियर इमोशनल एडाप्टेशन। सो उस थ्रेश होल्ड जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता सबके लिए, दो देयर आर सम वी कैन से कि हाँ जी कुछ ना कुछ है सबके लिए, लेकिन उस कुछ के साथ फिर हमारे अपने एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन और अलर्टनेस लेवल भी मैटर करता है। सो थ्रेश होल्ड हम उस मिनिमम स्टिमुलस एनर्जी को कहते हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं 50% ऑफ द टाइम, पार्टिकुलर स्टिमुलस 50% ऑफ द टाइम हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो उससे कम होती हैं फॉर एग्जाम्पल इफ इट डिड नॉट रीच दैट लेवल सो उसे हम कहते हैं सबलिमिनल, जैसे हम कहते हैं बिटवीन द लाइंस बिलो वंस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड दिस देयर इज अनदर फेनोमेनन एज वेल व्हिच वी कॉल प्राइमिंग। प्राइमिंग इज एक्टिवेटिंग often unconsciously association in our mind setting up to perceive remember or respond to object or events in certain ways। जैसे हमने बात की कि टॉप डाउन में कि जो हम रिसीव करते हैं फिर उसमें ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, और जो डुअल ट्रैक सिस्टम में हमने डुअल ट्रैक माइंड में भी हमने कहा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग में हमें पता नहीं होता, हम अनकॉन्शियसली एसोसिएशंस ढूंढते हैं इसको ठीक, अगर हमने पहले देखी हुई है कोई चीज़ हमने देखी उसके साथ एसोसिएशंस की देखते हैं एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू दैट। सो प्राइमिंग इज डेट प्रोसेस जो कि अनकॉन्शियसली होती है और वो एसोसिएशन बनाना चाहती है। Individual absolute threshold very dependent on the strength of the signal and our experience, expectation, motivation and alertness. जैसे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी ने भी कहा कि एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड सबके लिए एक जैसे नहीं होते, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और दैट वेरी वेरियंस इज बिकॉज ऑफ द पर्सन एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन एंड अलर्टनेस। So we'll be discussing that as well. For example, this is on the right side. You can see the percentage of correct detection and intensity of stimulus. When it reach to the threshold level, you see, so we then can access us, and that is the percentage of correct detection के 50% ऑफ द टाइम जब हम कहते हैं। लेकिन इसके बीनीथ जितने स्टेमुलस हमें मिलते हैं वो स्टेमुलस जो है वो सबलिमिनल स्टेमुलाई होते हैं, वो सबलिमिनल स्टेमुलाई जो है वो हम कैन से कि उसको हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है जो डुअल ट्रैक माइंड है जिसमें से लो रोड जो है या लो लेवल जो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग है वो उसको प्रोसेस करता रहता है। हियर आर सम फाइव सेंसेस थ्रेश होल्ड ओवरऑल, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वेरिएशन हो सकती है, और उसके साथ जो द वर्ल्ड अराउंड थिंग्स है अस है दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग दीज थ्रेश होल्ड। फॉर एग्जाम्पल साइट विजुअल्स की हम बात करें तो सीइंग अ कैंडल फ्लेम 30 miles अवे ऑन अ क्लियर नाइट, अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो
हमारे और कैंडल लाइट के दरमियान। सो 30 miles, दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर दूर से हम एक फ्लेम देख सकते हैं। देयर इज टोटली डार्क और अदर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई लाइट्स वगैरह की, तो वी कैन सी दैट। इसी तरह हियरिंग जो है, हियरिंग अ वॉच टिकिंग 20 feet अवे, वी कैन हियर टू द वॉच टिकिंग 20 feet अवे इफ देयर आर नॉट अदर थिंग्स अराउंड अस। देन कम द टच फीलिंग, बीज विंग फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन टू आवर चेक। जो हमारे गाल पे अगर बी का जो पर है वो गिर जाए 1 सेंटीमीटर से, वी कैन डिस्टेंस इट, वी कैन फील इट, बट अगेन के अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। स्मेल, स्मेलिंग वन ड्रॉप ऑफ परफ्यूम इन थ्री रूम हाउस। थ्री रूम हाउस में एक ड्रॉप हो जाए तो हमें उस स्मेल का पता लग सकता है। अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। टेस्टिंग 1 टीस्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 2 गैलन ऑफ वाटर, तो हमें पता लगेगा कि इसमें कुछ मीठा है कि नहीं है। अगेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। सो हाउ मच ऑफ स्टिमुलस डज इट मेक टू हैव अ सेंस, एज अगेन वी आर कमिंग टू द थ्रेश होल्ड थिंग। सो थ्रेश होल्ड देयर इज ओके जी, देयर इज वन थ्रेश होल्ड दैट इज वॉट वी कॉल के जी एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड। वन इज सबलिमिनल and then there are difference in threshold, just noticeable differences. Minimum difference a person can detect between any two stimuli half the time increase with stimulus size. कि कौन सी, जब for example there is a variation of जैसे सामने हमारे एक लिखा लिखी हुई एक poem है, उसमें से कुछ variation हो रही है लेकिन हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कितनी है। सो जब हम थ्रेशहोल्ड में डिफरेंसेस आ जाएं और हम उस डिफरेंस को अच्छी तरह परसीव कर सके, देन वी कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस थ्रेशहोल्ड। वेबर्स लॉ कहता है कि फॉर एन एवरेज पर्सन टू परसीव अ डिफरेंस, टू स्टिमुलाई मस्ट डिफर बाय अ कांस्टेंट मिनिमम परसेंटेज, नॉट अ कांस्टेंट अमाउंट। दैट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन वैरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। वेबर साहब कहते हैं कि जी जब हम नोटिस करते हैं किसी चीज, किसी एक्सटर्नल स्टेमुलाई में, विजुअल हो, हेयरिंग की हो, टच की हो, उसमें से कोई स्पेसिफिक परसेंटेज होती है पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए, एवरेज पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल 2% जो है वो हम विजुअल्स में हो, तो हम 2% के विजुअल के जो डिफरेंसेस हैं उसको एहसास उसका कर सकते हैं। उससे कम हो वो एहसास हम नहीं कर सकते, वो सबलिमिनल उसमें चल जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द पोएम गिवन, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट, ही मेक मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर, ही हैड लेट मी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड वन, जहाँ पे हर लाइन जो है वो दूसरे लाइन से उसके जो फॉन्ट साइज है इट्स कीप ऑन चेंजिंग, बट एट द फर्स्ट साइट वी डिड नॉट मेक सेंस ऑफ इट। हमें इतना जल्दी पता नहीं लगता जब तक हम इसको सारा प्रॉपरली ना देखें कि हाँ जी देयर इज समथिंग, सम चेंज इज हैपनिंग इन द फॉन्ट साइज। सो दैट वेबर्स लॉज की कुछ परसेंटेज है स्पेसिफिकली हर स्टिमुलस के लिए, कि जहाँ पे हम उस में वेरिएशंस को जो है वो देख सकते हैं। सबलिमिनल परसुएशन, हमने बात की कि जो थ्रेशहोल्ड से अबाव हो, सुपर लिमिनल जो है वी कैन गेट दैट। सबलिमिनल स्टिमुलाई कैन नॉट बी परसीव्ड विद अस बीइंग अवेयर इवन इफ वी लुक फॉर देम। इन कंट्रास्ट सुपर लिमिनल या जो जैसे हमने थ्रेशहोल्ड से अबाव किया, कैन बी परसीव्ड बाय द कॉन्शियस माइंड ऑल द वे, ऑफन फेल टू नोटिस देम। सो कॉन्शियसली जिस थ्रेशहोल्ड को हम सेंस कर सकते हैं वो वी कॉल इट सुपर लिमिनल, और जो इसके बिलो होता है वो सबलिमिनल होता है। सबलिमिनल जो है, सबलिमिनल वो सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस को प्रोसेस करता है, और कॉन्शियसली हम सुप्रा लिमिनल को करते हैं। सुप्रा लिमिनल जो हमारे थ्रेश होल्ड होते हैं उसको कहते हैं। सो स्टिमुलाई दैट आर टू वीक टू डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम सबलिमिनल स्टिमुलाई, लेकिन ये जो है अननोटिस नहीं जाते। नोटिस तो हम कॉन्शियसली नहीं करते, लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस है वो करता है। दैट इज सेंसेशन दैट इज टू फ्लीटिंग टू इनेबल एक्सप्लॉयटेशन विद सबलिमिनल मैसेजेस। सबलिमिनल परसुएशन क्या है?
may produce a fleeting, subtle but not powerful enduring effect on behavior. Experiment discount attempts and subliminal advertising and self-improvements. Though there are so many claims that subliminal persuasion, which we subconscious level pe kisi advertisement ke zariye jo hum kehte hain chupa hua paigham hai, coded paigham hai, wo dena chahte hain. So there are so many experiment of that ki ji subliminal messages jo hain wo persuasion jo hai ke zariye jaate hain ya nahi. So till date majority of the experiment did not confirm that ki jo subliminal cheeze hain wo itna zyada affect nahi karti, itni zyada persuasion nahi lati. Sensory adaptation. To detect novelty in our surrounding, our senses tune out constant stimulus. Sensory adaptation is one of the blessings, we can say. Ke hum kisi aise jagah pe jahe, jahan pe smell bahut zyada tez hai. So after a certain period of time, we are used, very accustomed to that, and we didn't then sense it. Why is that? That is because of sensory adaptation. Because वो novelty नहीं रहती, वो constant stimuli आती है, तो constant stimuli हमारा जो ज़हन है, constant stimuli को छोड़ के किसी और उसमें लग जाता है. Sensory adaptation is the process by which our brain cells become less sensitive to constant stimuli that are picked up by our senses. हमारा जो sensation process है, उसमें ये है कि sensation होती है through sensory organs, वो brains को जाती है, brain उसको top down अप्रोच के जरिए उसका सेंस बनाता है. बट व्हेन द स्टिमुलस इज कांस्टेंट, तो फिर जहन जो है उससे थोड़ा हट जाता है. वो कहते हैं बस वही काम हो रहा है जो कि यूजुअली हो रहा था, सो व्हाई टू वेस्ट एनर्जी ऑन दैट. सो वो उसको साइड कर देता है. और सेंसरी रिसेप्टर आर अलर्ट टू नोवेलिटी, बोर देम विद रिपीटेशन एंड दे फ्री आवर अटेंशन फॉर आवर मोर इंपॉर्टेंट थिंग. जो हमारे सेंसरी इनपुट्स हैं, हम एक जैसे चीज कह रहे हैं, एक ही जैसे जायकी की चीज कह रहे हैं, वी आर अकस्टम्ड टू दैट. सो फिर हमें वो चीज फील नहीं होती. सो इसीलिए फील नहीं होती कि जो हमारे रिसेप्टर्स है वो उसके साथ नॉवेलिटी की तरफ देखते हैं, वो रिपीटेटिव चीजों के साथ यूज्ड टू हो जाते हैं, और इसीलिए वो अटेंशन जो है वो नए नावल चीजों को दे रहे हैं, नई चीजों को दे रहे हैं जो कि उनके साथ हो रहे हैं. व्हेन यू फर्स्ट वॉक थ्रू द डोर, द डिलीशियस स्मेल ऑफ गार्लिक एंड टोमेटो इज ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग. To sit down and wait for the table, and after a few minutes, the sense then begin to dissipate until you barely notice it. आप जाते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, and after a certain period of time, you are override of it. And similarly, it's happening, getting used to the sound of loudly buzzing air conditioner, period of time, an example of sensory adaptation. बहुत शोर कर रहा था, लेकिन आप used हो जाते हैं. But when new one comes in, he bring it to the your notice ki bhai ye to jo aapki machine hai, it is too much noisy. And you can acha aise, so you can say ki nahi aise to nahi ho sakta. But then you have to again come to the more sensation, and you can say ha ji aisa ho raha. This is emotional adaptation, which is a form of sensory adaptation. Ke hum jo ek jaisi cheez dekh rahe hote hain, so hum usi ko tarah perceive karna chahte hain. Sensory adaptation even influence how we perceive emotions. For example, teen pictures given. Gaze at the angry face on left for 20 to 30 seconds. Then look at the center face. जब हम left से start करते हैं, 20 to 30 minute first one को देखते हैं, 20 to 30 seconds first one को देखते हैं from left. फिर जब हमें जो mid वाला लगता है, वो कहते हैं कि scared one. जो डरे हुए लोग हैं, डरा हुआ चेहरा हमें नजर आ रहा. बट लेट डू इट रिवर्सली, कि पहले हम राइट वाले को देख लें और फिर उसके बाद मिड वाले को देख लें. सो अब अगर आप 20 to 30 मिनट जो है वो राइट वाले को देख के दर फिर मिड वाले पे आ जाए, देन यू विल सी कि इट्स नॉट अ स्केर्ड वन, रादर शी इज एंग्री. Because जो प्रीवियस वन है, वो प्रीवियस वन हमें पुश करता है कि सिमिलर उसमें से आर सेंसरी अडैप्टेशन के जरिए हमें इमोशनली अडैप्टेशन भी नज़र आ रही होती है कि वी आर सेंसिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इमोशंस इन
टर्म ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, एक जैसे जिस तरह के प्रीवियस हमने इमोशंस सेंस किए होते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे होते हैं, तो वो दैट इज अफेक्टेड बाय द प्रीवियस वन। तो जब हम लेफ्ट से देख रहे थे हमें मिड वाला स्केल लग रहा था, जब राइट से देख रहे हैं इट लुक्स एंग्री वन। सो दैट इज बिकॉज द प्रीवियस जो सेंसेशन है वो सेंसेशन हमारे यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे हमारा जो इमोशंस हैं उसको हम सेंस करते हैं, दैट इज अफेक्टेड बाय आर प्रीवियस सेंसेशन अबाउट द इमोशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इन द कमिंग डिस्कशन वी विल बी डिबेटिंग द परसेप्चुअल प्रोसेस एंड द विजन, द विजन सेंसरी परसेप्शन ऑफ विजन एंड ऑल दोस। Till they call office and